ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव पुराण की कथा कहती है कि जब कभी आप शंकर जी के मंदिर में जाओ और शिव जी को अगर जल चढ़ाने के बाद जो आप बेलपत्र चढ़ाते हो उसको अपने घर उठाकर ले आओ, और उस बेलपत्र को आप अपने पैंट की जेब में तो मत रखना, आप अपनी शर्ट की जेब में ही रखना। वो शर्ट जिसकी जेब आपके बाएं हाथ की तरफ बनी हो उसी जेब में बेलपत्र को रखना। दोस्तों, जितनी देर तक ये बेलपत्र दिल के पास में रहता है, दिल के संचार को निरंतर करता रहता है। ये बेलपत्र शरीर में रक्त के ब्लॉकेज को खोल भी देता है और हार्ट अटैक कभी नहीं आने देता। दोस्तों, बेलपत्र में वो गुड़ होता है। हम तो यही कहेंगे कि जितने भी पुरुष लोग मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान शिव का गुणगान करने जाते हैं, महादेव को बेलपत्र समर्पित करने जाते हैं, हम उनको हमेशा यही कहेंगे कि यदि शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाया है तो आपकी शर्ट में यदि बाएँ हाथ की तरफ जेब बनी है तो ये बेलपत्र जो आपने महादेव पर चढ़ाया है वही बेलपत्र खाने से पहले कुछ देर जेब में जरूर रख लिया करें, जिससे आपके हृदय का रक्त संचार ठीक चलता रहेगा और आपको हार्ट अटैक जैसी कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। दोस्तों, ये बेलपत्र सुख देने के लिए ही है आपको। दोस्तों, जो ये उपाय रोजाना कर लेगा उसको हार्ट अटैक तो कभी नहीं आएगा, ये जरूर तय है। दोस्तों, आप ये मत सोचना कि ये उपाय हमारी मनगढ़ंत कहानी है ना। दोस्तों, हम तो बस इतनी ही प्रार्थना करेंगे अपने महादेव से कि बाबा, ये इतने जो तेरे भक्त इस शिव पुराण के उपाय को सुन रहे हैं, शिव तत्व को जानने के लिए आपकी शिव पुराण के उपाय सुन रहे हैं, बाबा भगवान मेरे देवधि महादेव, इतनी कृपा जरूर करना कि इनकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखना। हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, पर मेरा भोलेनाथ तो आपको सब कुछ दे सकता है। इसलिए सभी शिव भक्त, चाहे वो पुरुष हो या महिला, सभी ये उपाय जरूर करें और बेलपत्र को अपने बाएं हाथ की जेब यानी शर्ट की जेब में ही रखना, वो भी बाएं हाथ की तरफ वाली जेब। और एक बात कहना चाहूँगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि इस हार्ट अटैक जैसी बीमारी को समाप्त कर मेरे देवाधि महादेव की कृपा से सभी अपने जीवन को सुख शांति से जी सकें। धन्यवाद।